because for some gravy bhi lena chahiye. Just I'm going to take some gravies also over here, and you can see, and it's just awesome. ये पूरा मसाला उडापन है, इसका बोला था कोतबिल माखा. Now ये कोतबिल माखा पूरा ready है मेरे मुंह में जाने के लिए. पता नहीं जब ये खाता हूँ मेरा एक आँख क्यों बंद हो जाता है. ये है मटन कड़ी, now it is being prepared. See the beautiful chicken curry जो भैया जो मैंने आज सुबह बाजार से खरीद के लाया था. गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका अनदर ब्यूटीफुल ब्लॉग में. और सुबह के टाइम में बाहर ठंड जबरदस्त है, और ट्रस्ट मी सुबह के टाइम में जस्ट पहना हुआ यू टी शर्ट. ऑलरेडी मैं पहन चुका हूँ जैकेट, और मेरे हाथ में ये गर्मा गर्म कॉफी. सो अभी मैं चलते चलते जा रहा हूँ ऊपर, मीन्स मेरा घर के रूफ में, छत पे. एंड दिस इज द रूफ ओवर हियर. सुबह के टाइम में छत पे आने का एक मज़ा ही कुछ अलग होता है. यू कैन सी इट्स वेरी सनशाइन वेदर है, और ठंड भी थोड़ा थोड़ा बहुत है. थोड़ा थोड़ा है, बहुत है, थोड़ा है कि बहुत है, दोनों ही है एक्चुअली. जब सो रहा था विद माई ब्लैंकेट तब ठंड ज़्यादा लग रहा था, बट अभी जब थोड़ा सा उठ चुका हूँ एंड हैविंग द कॉफ़ी, अभी थोड़ा सा ठंड कम भी लग रहा है. सो दोस्तों नाउ है अभी ब्रेकफास्ट टाइम, और ब्रेकफास्ट में क्या है, and as you can see this is the parathe. I just love parathe, and this is the Kashmiri aloo kadi, jisko Bengali mein bola jata hai aloo ka dam, aloo dam. Aur ye hai ekdam oil se tala hua, tel se pakaya gaya, this is the parathe. And trust me, I know some of you might think that is it is not good for health. Ye हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है सुबह सुबह ये सब स्पाइसी चीज़ खरीद खाना, पर क्या छुट्टी के दिन कुछ भी चलो यार खाना तो चाहिए. एक्चुअली ऑल अबाउट ये जो हम लोग का ग्रेटिफिकेशन ऑफ टंग है ना, मीन्स हम लोग का जो टंग के ग्रेटिफिकेशन लिए हम सब खाते हैं. और यार जब तक जीते हो तब तक थोड़ा सा मज़े से खाना चाहिए, बिकॉज ठीक है घास फूस भी खाना चाहिए, दैट इज़ हेल्थी फॉर आवर हेल्थ, बट ये सब भी खाना चाहिए बिकॉज ये सब दिल चाहता है. तो दैट इज़ मैंने ले लिया पराठे, मैंने ले लिया कश्मीरी आलू कड़ी, एंड आई एम गोइंग टू हैव इट राइट नाउ. राइट, पूरा सुबह का ब्रेकफास्ट में ऐसे हेवी खाना हर रोज मैं नहीं खाता हूँ, बट जब भी खाता हूँ ट्रस्ट मी आई जस्ट एंजॉय, दिल से खाता हूँ. बिकॉज थोड़ा सा ग्रेवी भी लेना चाहिए, जस्ट आई एम गोइंग टू टेक सम ग्रेवीज ऑल्सो ओवर हियर, एंड यू कैन सी, एंड इट्स जस्ट ऑसम. चिकन और डिनर का मेनू होगा मटन. गाइस क्यों? क्योंकि आज है छुट्टी का दिन, ट्यूसडे है. ट्यूसडे मैं घर से कहीं नहीं जाता हूँ, यूजुअली आप लोगों का तो छुट्टी होता है संडे, बट संडे को मेरा रहता है बहुत ज्यादा काम, बट माय हॉलीडे इज ट्यूसडे. तो आई वाज हैविंग डिस्कशन विद माय मॉम दैट आज कुछ जबरदस्त कुछ खाना है, एंड शी टोल्ड मी दिस व्हाट यू वांट टू हैव. देन आई टोल्ड हर चलिए इस वीक में चिकन मटन कुछ नहीं हुआ था अकॉर्डिंग टू आवर जस्ट लाइक डेली मेनू, तो आज सभी का कसर चलिए पूरा कर देते हैं. तो सुबह होने वाला है, मीन्स लंच में होने वाला है हम लोग का जो मेनू, दैट इज अ चिकन करी, और डिनर में होने वाला है मटन करी. सो चलिए बाजार जाएंगे टू परचेज द चिकन एज वेल एज मटन.
ये जो मटन का पैकेट अचानक बाइक से जस्ट गिर गया था, सामने से बम्पर आया था, एक जर्किंग से पैकेट गिर गया था। सोचिए 450 रुपये का मटन रास्ते में गिर गया, अगर मैं नहीं देखता तो चलिए यार आज रात का मटन कड़ी मिस हो जाता। अनफॉर्चुनेटली देख लिया, आई कलेक्टेड दैट। तो मटन का शॉपिंग होने के बाद, खरीदारी के बाद, अभी मुझको जाना है टू परचेज द चिकन। तो चलिए चिकन भी थोड़ा सा खरीद लेते हैं दोपहर के लिए। टाइम और लंच में देख सकते हो राइस, ये है दाल, और दाल के साथ ये थोड़ा सा फ्राई किया है पता नहीं, एंड दिस इज द आवर मेन अट्रैक्शन, दैट इज द चिकन करी। यू कैन सी द ब्यूटीफुल चिकन करी जो भैया जो मैंने आज सुबह बाजार से खरीद के लाया था। तो चलिए खाना शुरू करते हैं। सो दोस्तों आई एम जस्ट फीलिंग जस्ट टू मच हंगरी। तो ये दाल है, बहुत फेवरेट दाल, इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, और यहाँ पर समथिंग सब्जी टाइप ऑफ कुछ है। तो थोड़ा सा ये एक यू नो मिर्च, इट्स अ ब्यूटीफुल मिर्च, इसको भी दाल के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और थोड़ा सा सब्जी और थोड़ा सा दाल। पूरा इंडियन खाना है बॉस, चलिए खा लेते हैं। ये थोड़ा सा तीखा है ये सब्जी, दाल के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन जा रहा है जस्ट गजब का ऑसम। और ये सुने जो थोड़ा सा घना डाल होता है ना, एक्चुअली डाल दो तरह होती है, थोड़ा सा पतला सा डाल, थोड़ा सा घना सा डाल। ये जो घना सा डाल थोड़ा छाछ टाइप ऑफ लगता है, इट इज जस्ट माई फेवरेट। तो दाल खाने के बाद अभी आ चुका है मेन चीज खाने का टाइम, दैट इज द चिकन। ये देख सकते हो आई हैव टेकन द क्वांटिटी, टू मच चिकन मैंने ले लिया है, और चिकन के साथ दूसरा एक चीज ये है, दैट इज द एग। सो गाइस एक्चुअली संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, आई बिलीव ऑन दिस ब्यूटीफुल थ्योरी। तो एग इज वेरी नाइस, तो मैंने बोला था एक चिकन के साथ एक एग भी देने के लिए। सो गाइस ये पूरा है चिकन करी, और चिकन करी को मैं अच्छी तरह से राइस के साथ मिला लेता हूँ, बिकॉज चिकन करी की जो टेस्ट है तभी आपको अच्छा सा मिलता है जब इसको राइस के साथ, रोटी के साथ खाते हो। तो चलिए ये है चिकन का पहला निबाला, लेट मी हैव इट एंड लेट मी चेक हाउ इज द टेस्ट ऑफ इट। ट्रस्ट मी, टेस्ट इज जस्ट रॉकिंग, एंड थोड़ा सा चिकन, ये है पूरा चिकन का लेग, ये चिकन ले लिया, थोड़ा सा चिकन का जो अंडा एक एक ले लिया, और चलिए अभी दबा के खाते हैं। जस्ट अ रॉकिंग मैन। एक्चुअली हॉलीडे के टाइम में, छुट्टी के टाइम में, जिस दिन हम घर में रहते हो उस दिन थोड़ा अच्छा खाना चाहिए चाहिए। एक्चुअली सुबह का मैंने बोला था सुबह को आपको, आज दोपहर का मेन्यू है चिकन, रात का मेन्यू है मटन, और सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया वो भी आपको दिखाया था। तो सभी वेरी हैवी फूड है, ठीक है चलो यार एक दिन हैवी फूड खा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इतना कॉम्प्रोमाइज हम लोग जो बंगाली लोग हैं, वी कांट डू इट, बिकॉज दो चार दिन की जिंदगी, उस जिंदगी में अगर बिना खाए डाइट करते हुए स्ट्रगल करते हुए अगर बिता दोगे तो कैसा होगा। गाइस यू शुड एंजॉय योर डेली मील, इट्स चिकन खाओ
और मटन का जो भी खाओ, अगर ज़्यादा स्पाइसी नहीं हुआ तो उसका मज़ा नहीं आता है. Trust me, feeling just enjoying badly the chicken curry, man. So, दोस्तों दोपहर का लंच करने के बाद now time to have something खट्टा. And you can see मैंने ले लिया है, इसको बोला जाता है ऊड एप्पल, जिसको बंगाली में बोला जाता है कोदबेल माखा. And trust me, this ऊड एप्पल कोदबेल माखा सिर्फ लड़कियों का फेवरेट नहीं, इट इज ऑल्सो फेवरेट ऑफ माइन. सो देख सकते हो मैंने थोड़ा सा पहले ही बना कर रखा था. एंड दिस इज द एंटायर दिस कोदबेल माखा ऊड एप्पल मसाला, ऊड एप्पल जिसको बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में शायद. एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव विथ इट. एंड ट्रस्ट मी, मुँह में पूरा पानी शानी सब कुछ भर चुका है. लेट मी सी हाउ इज द टेस्ट ऑफ इट. Man, it's just rocking. It's just awesome, guys. You can see, ये पूरा मसाला ऊड एप्पल है, इसका बोला था कोदबेल माखा. Now ये कोदबेल माखा पूरा रेडी है मेरे मुंह में जाने के लिए. पता नहीं जब ये खाता हूँ मेरा एक आँख क्यों बंद हो जाता है. But trust me, इसको ऐसे ही खाने में मज़ा है. सब कुछ है यहाँ पर. क्या क्या है, बहुत सारे चीज़ दिलाकर देकर इसको ये जस्ट बोलो फ्राई किया गया है, सॉरी फ्राई नहीं, इसको पेस्ट किया गया है. एंड एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश. आज सुबह जब बाजार गया था आई बॉट इट. एंड यू कैन सी दैट इज़ द कलर भी कितना यू नो जस्ट लाइक ए ब्यूटिफुल है. ओके थोड़ा सा और तेलुगु में सब कुछ मिलाकर ट्रस्ट मी, आज का जो छुट्टी का दिन सुबह से हर पल को मैं एंजॉय कर रहा हूँ. थोड़ा सा और भी ले लेता हूँ. ये जो कोदबेल है, मीन्स ऊड एप्पल है, जो ये एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश है. एंड इसका टेस्ट जो फ्रेश एप्पल का टेस्ट ही टेस्ट कुछ डिफरेंट माइलेज होता है. एंड ट्रस्ट मी, आई एम जस्ट एक्सपर्ट टू मेक द स्पाइसी कोदबेल माखा. Just enjoying. मैं गारंटी देना चाहता हूँ, अगर कोई लड़की अगर ये चीज़ देख रहा है, ये जो कोदबेल माखा है ऊड एप्पल स्पाइसी मसाला ऊड एप्पल, अगर कोई लड़की देख रहा है उसमें पानी, तो उसका मुंह से तो पानी ऑलरेडी आ चुका है शायद. तो चलिए आप भी देखो, आप देखो और मज़े लो कैसे ये ऊड एप्पल स्पाइसी मसाला ऊड एप्पल खाया जाता है. तो दोस्तों ऑलरेडी शाम हो चुके हैं, अभी जाना है मुझको बाहर. पर बाहर जाने से पहले आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, दिट इज़ माई स्लीपर. बट आप सर सोच रहे हो क्यों मैं मेरा जूता, मेरा स्लीपर आपको दिखा रहा हूँ. एक्चुअली ये मेरा स्लीपर मैं घर में पहनता हूँ, बट इसका कंडीशन हो चुका है बहुत ही बुरा. द कंडीशन इज सो बैड राइट नाउ. तो घर में विंटर के टाइम में क्या होता है, एक्चुअली घर में हम लोग जूता पहनते हैं, विदाउट शू विदाउट स्लीपर इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वॉक अराउंड इन द रूम. तो इसीलिए थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, एक जूता खरीदना है फॉर द होम पर्पस में, घर में पहनने के लिए एक जूता खरीदना है. तो चलिए बाहर चलते हैं, एक जूता भी खरीदते हैं और देखते हैं और क्या क्या खरीदने का चीज़ है इन द विंटर इवनिंग.
guys, as you can see that I am coming here in this shoe shop and I am seeing if there is something to wear. So, चलिए प्लीज ये ले लेता हूँ और क्या कोई दूसरा लेक्सी कौन सा पसंद आता है? तो दोस्तों शॉपिंग करने के बाद ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ घर में तो आई वांट टू शो यू क्या-क्या आज खरीदारी किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू शू. Guys, घर के लिए this slipper मैंने खरीदा है सिर्फ एक नहीं और भी है. There is two pair of slipper I bought it. तो घर में पहनने के लिए it is not for the out. घर में हम लोग जो इधर उधर जाते हैं upstairs downstairs जो करते हैं उसके लिए बहुत you know ठंड लगता है winter के time में. So I got these two pair of shoe. और मैंने खरीदा है also I have bought this t-shirt. Actually Bishal में गया था और ये वाला जो t-shirt देखकर I was feeling good. तो अच्छा लगा इसका जो color stripe combinations है. Vlogging में शायद I'm looking good with this nice t-shirt. तो अभी शॉपिंग करने के बाद आई एम फीलिंग बिट ऑफ हंग्री. तो चलिए ऊपर चलते हैं मीन्स एट द किचन. किचन के जाने का ये रास्ते में अपस्टेयर में थोड़ा सा लाइट माइट कम है सो यहाँ पर आप शायद मुझको यू कांट सी मी. किचन में चलते और देखते हैं आज का रात का तो मेनू है मटन. तो कैसा प्रिपरेशन चल रहा है मेरा घर में मटन का. ओके यू कैन सी दिस इज माई मॉम शी इज कुकिंग ओवर हियर. सो माँ मांस रन्ना शुरू हो गया चे. अच्छा मांस रन्ना शुरू हो गया चे मींस जिसको बोला है तो मटन. थोड़ा सा दिखाओ मटन का कैसा प्रिपरेशन चल रहा है. आई वांट टू शो यू हाउ इज द प्रिपरेशन ऑफ द मटन टुडे. ओह माय गॉड जस्ट स्मेल इज जस्ट ऑसम. सो दिस इज द मटन ओवर हियर. जूम करके दिखाता हूँ. वाओ देखो जस्ट धुआं निकल रहा है. My mom is cooking over here and shopping करने के बाद रात के 8:30 बज चुके हैं. On trust me and इसका जो smell सुकर मटन खाने का जो की इच्छा जो wish बहुत गुना बढ़ चुका है. तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है मटन कड़ी. नाउ इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड. माय मॉम इज कुकिंग ओवर हियर. सो कैसा टेस्ट होगा पता नहीं. होप सो इट विल बी गुड बिकॉज बड़ा मम्मी के हाथ का जो मटन है दैट इज समथिंग ऑसम दैट इज जस्ट लाजवाब. आप देख सकते हो अभी सभी मसाला देखकर अभी पानी वानी डालकर डाल दिया गया है एंड इट इज बिकमिंग बिट ऑफ ड्राई. सो चलिए इसको होने देते हैं थोड़ा सा. ऑलरेडी मटन कड़ी तैयार हो चुका है. नाउ इट इज रॉक एंड रोल. वाओ जो कलर ये पूरा कंटेनर में डाला जा रहा है. जस्ट लुक एट द कलर मैन. जस्ट यमी. ये पूरा पैसा उसूल एक रेसिपी है. एक्चुअली मटन ऐसे ही मेरा बहुत फेवरेट होता है एंड इसको अगर ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी करके आप तैयार कर रहे हो ट्रस्ट में मेरा मुंह में गंगा जमुना सब कुछ जो जो नदी जो नदी का आप नाम जानते हो सब बह रहा है. जस्ट फीलिंग टू मच टेस्टी.
दोस्तों यकीन मानिए कंप्लीटली मजा आ गया. एक्चुअली जो मटन कड़ी था ना, इट वॉज सच अ यम्मी एंड सच अ टेस्टी, जस्ट आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन. सो आज का दिन पूरा तो दिन भाई चला गया खाते खाते, सुबह खाना, दोपहर खाना, शाम को खाना, रात में खाना, आई एट अ लॉट. एक्चुअली हम लोग जो बंगालीज होते हैं, वी आर लिटरली बिट ऑफ फूडी. एक्चुअली वी लव टू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स. और छुट्टी के दिन तो हम लोग फूड के ऊपर जस्ट कूद पड़ते हैं. ऐसा ही हुआ आज मेरे साथ. आई हैव एंजॉय द डिफरेंट डिलीशियस डिशेस एंड उसके साथ जो शॉपिंग, मैंने कुछ खरीदारी किया एज आई हैव शोड यू अप. सो होप सो दोस्तों, ये था एक पूरा होल डे फुल डे व्लॉग, जिस व्लॉग में सुबह से रात के अभी तक अभी ऑलरेडी 12 बज चुके हैं. सुबह नींद से जगने से बाद अराउंड 9 बजे से बाद रात को 8 बजे तक एंटायर जो एक्टिविटीज छुट्टी के दिन जो आज मैंने किया, होप सो यू पीपल ऑल्सो डू द सेम वे इन योर हॉलीडेज. तो ऐसे ही एक छोटी सी कोशिश एक हॉलीडे को कैप्चर करने का फिल्माना. सो दिस ऑल अबाउट द टुडेज डॉक्यूमेंट्री, टुडेज व्लॉग अबाउट द whole day vlog about the holiday. So hope so guys you have enjoyed this video. Agar video ko acha laga to like kar dijiye, agar video ko acha nahi laga to dislike bhi kar sakte ho, all up to you. Because ek dost to hi hota hai jo acche cheez ke upar acche comment karte hai, agar kuch negative cheez bhi uske upar bhi negative comment karte hai, iska matlab hai that is you are my real friend. So vlog mein agar koi kisi jagah pe agar aapko lagta hai I made some mistake, ये ठीक नहीं था, ये गलती मेरे से हो रहा है, so you can rectify me by writing in the comment box, also disliking the video. So दोस्तों अगर वीडियो का मजा आया तो as I told you like करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया में शेयर करना मत भूलिएगा. So मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, see you in the next exciting episode.